सो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में, और आप देख रहे हैं नयन की एक और फ्रेश वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पल्सर 220F का जो ओरिजिनल फ्यूल कैपेसिटी होता है वो कितना होता है। वैसे तो आप जैसे अगर ऑनर मैनुअल इसका देखे होंगे तो उस बुक में मेंशन रहता है कि जो मेन फ्यूल कैपेसिटी रहती है उसकी वो 15 लीटर की रहती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अभी का वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पेट्रोल को ख़रीदा है, और ये है टोटल पीछे वाले जो चार बॉटल आपको दिख रहे हैं ये है 5 लीटर के, आगे वाले दो 2 लीटर के, और एक सिंगल जो छोटा सा है ये 1 लीटर का, मतलब टोटल ये 25 लीटर पेट्रोल है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें से कितना इस बाइक में आ पाता है, ठीक है। और ये है हमारा 220 जिसका हमने फ्यूल टैंक को पूरी तरह से खाली कर चुका है, तो हम दिखाते हैं 1 सेकेंड। तो सबसे पहले आपको इसका हम फ्यूल का डिस्प्ले दिखाते हैं, 1 सेकेंड। ये लगा इग्निशन, जैसा कि देख सकते हैं फ्यूल जो है पूरी तरह से एम्प्टी है, और आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए ऑन में भी पूरी तरह से खाली, और रिजर्व भी पूरी तरह से खाली, मतलब हमारे जो टंकी है वो पूरी तरह से खाली है। तो वापस से देखते हैं कि कितना इस जो टैंक है इसका पल्सर 220 का, इसमें कितना फ्यूल आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20 लीटर तेल जो है जा चुका है टंकी के अंदर, अब 5 लीटर और बचा हुआ है, तो देखते हैं कि इसमें से कितना ले पाता है। हमें तो नहीं लगता कि मुश्किल से 1.5-2 लीटर से ज़्यादा नहीं लेगा। अब देखिए क्या होता है फिर। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो है पूरी तरह से फुल हो चुका है हमारा जो टंकी है, और यहाँ पे जो है लगभग 20 लीटर तो गया ही गया, और 1 लीटर भी गया, मतलब टोटल टैंक का जो कैपेसिटी है वो 21 लीटर है। सो जैसा आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो पूरी तरह से फुल हो चुका है, टोटल 21 लीटर तेल लगे हैं। वैसे तो हम लोग ने टोटल 25 लीटर लिया था, जो कि हमें पड़ा था अप्रॉक्स 110 रुपये लीटर, तो उस हिसाब से हो गया लगभग 2,750 का, बट इसमें सिर्फ 21 लीटर आया है। तो मैनुअल में तो लिखा रहता है कि 15 लीटर का कैपेसिटी है, बट यहाँ 6 लीटर ज़्यादा हो गया, 21 लीटर आ गया। बट मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैनुअल के हिसाब से अगर 15 लीटर का कैपेसिटी बताता है बजाज वाला, तो आप मैक्सिमम 1 लीटर ज़्यादा डलवाओ, क्योंकि फ्यूल का जो टैंक रहता है उसमें लगभग जो थोड़ा बहुत स्पेस रहना भी चाहिए। तो आप अगर 15 लीटर है तो आप 16 डलवाओ, 16 से 1 रुपया ज़्यादा कभी मत डलवाओ,
16 का डलवाओ। और ये जो वीडियो था बस मैंने ऐसे ही नॉर्मली टेस्ट के लिए बनाया था, और मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि हाँ आप एकदम पूरा टंकी को इंड तक पूरा फुल करो जैसे मैंने किया है। एक्चुअली मैं भी अभी इसको थोड़ा सा ड्रेन करूँगा पेट्रोल, अप्रॉक्स 5 लीटर के समथिंग को ड्रेन करूँगा ही। तो ठीक है फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जैसा आपका सजेशन हो, जैसा कमेंट हो, आपके मन में जैसा भी कोई बात हो, आप कमेंट जरूर करें। तो ठीक है फिर, तब तक के लिए बाय बाय।